दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय मोती महल डीलक्स 100 ईयर्स ऑफ ब्रिलियंस एंड आशी द फैशन स्टूडियो। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के माध्यम से सरकार द्वारा मानी गई मुख्य मांगों पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव राजेश शर्मा व अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ मंडी के प्रधान चमन ठाकुर ने महासंघ के विभिन्न मांगों को मानने के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि महासंघ ने मांग की है कि मुख्यमंत्री की घोषणा व JCC में लिए गए निर्णयों को शीघ्र ही लागू किया जाए, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली, नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता, विभिन्न श्रेणियों के पदनाम बदलने जैसे फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और अन्य विभिन्न विभागों के मुद्दे शामिल हैं, जिन्हें प्रदेश सरकार द्वारा जल्द पूरा किया जाए। मुख्य मुद्दे हमारे पेंशन का था, हमने मांग की है कि पुरानी पेंशन के संबंध में जो एक कर्मचारियों की मांग है उसको बहाल किया जाए, अगर बहाल करने में उसमें दिक्कत है तो उसका उसमें सुधार किया जाए। और इसके साथ ही हमने मांग की जो एक हाई पावर कमेटी सरकार ने बनाई है उसकी जो बैठक है उस अतिशीघ्र की जाए और उसमें NGO फेडरेशन के प्रतिनिधि और NPSA के जो प्रतिनिधि है उनको भी शामिल किया जाए, ताकि हम बैठ कर उसकी चर्चा कर सकें और उसका हल निकाल सकें। तो हमारी आपके माध्यम से भी मांग है कि इसकी जो बैठक की जो तिथि है और जो अधिसूचना है जिन कर्मचारियों को उसमें शामिल होना है उस हाई पावर कमेटी में, उसकी अधिसूचना सरकार से घर जारी करें। और जो अन्य जो मुद्दे हैं वो चाहे सीनियरिटी का मुद्दा है, चाहे अमेंडमेंट कुछ RNP रूल्स में होनी है, ACPS का मुद्दा है, हमारे क्लास फोर कुछ साथी हैं 2001 के बाद वो चाह रहे हैं कि उनकी जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 60 वर्ष होनी चाहिए अन्य कर्मचारियों के समान, और उसके अतिरिक्त जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उनका नॉमिनेचर का इशू है और कुछ RNP रूल्स में अमेंडमेंट की जानी है, और ये जो पे कमीशन का एरियर है हमारा, इसकी भी हमारी सरकार से मांग है। इसको भी 15 अगस्त को जब हमारा 15 अगस्त का जो फंक्शन होगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा अनुरोध है कि पे कमीशन का जो एरियर है, जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सरकार से मांग की है कि इसको कम से कम 4 किस्तों में दिया जाए और जो हमारा DA है 3% DA बचा हुआ है इसकी भी घोषणा की जाए, ताकि कर्मचारियों को लंबा इंतजार न करना पड़े। और इसके साथ ही हमारे 2012 में जो कुछ कर्मचारी लेफ्ट आउट श्रेणियां हैं जिनको उस वक्त हायर पे ग्रेड का लाभ नहीं मिला है उनको भी प्रावधान किया जाए। इस प्रकार हमने सरकार से अनुरोध किया है कि निकट भविष्य में जल्दी इसकी एक बैठक रिव्यू मीटिंग चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की कमेटी में की जाए, ताकि जो हमारे शेष मांगे हैं उसको भी निपटारा किया जा सके। और प्रदेश के जो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं माननीय जयराम ठाकुर जी, वो हमेशा ही कर्मचारियों को हितों के प्रति सजग रहते हैं, समय समय पर उन्होंने कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को करोड़ों के लाभ दिए हैं और कर्मचारियों से उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति से अपेक्षाएं हैं, जिस जो व्यक्ति करने वाला है उससे ही अपेक्षा होती है। और आज बहुत से कर्मचारी साथी अपनी मांगों को लेकर उनसे कई मांग भी कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये जो वर्तमान का जो कार्यकाल है सरकार का, ये जो हमारा जो शेष का जो समय है उसमें जो कर्मचारियों के जो शेष मुद्दे बचते हैं उनका निराकरण किया जाए।